स्टैट ऑफ द डे आज है बाबर आजम के चेजिंग रिकॉर्ड के ऊपर इन टी20 क्रिकेट। इस पीएसएल में हमने दो बार देखा कि जब कराची 180 से ज्यादा चेस कर रहा था तो बाबर आजम ने दोनों में स्ट्रगल किया। मुल्तान के खिलाफ 13 के ऊपर आउट हुए और इस्लामाबाद के खिलाफ 0 के ऊपर थोड़े अनलकी थे, रन आउट हो गए। They will have to hustle. What a brilliant piece of fielding that is. Piece of delivery yet. How big a moment is this? Massive. What a piece of fielding. लेकिन अगर हम बाबर आजम के ओवरऑल टी20 करियर की बात करें, जब टारगेट 180 से ज़्यादा होता है तो बाबर आजम की जो एवरेज है वो सिर्फ 27 की है और उनकी सिर्फ 350 हैं और तीनों जो हैं वो लूजिंग कॉज में है, एक समरसेट के लिए, एक कराची किंग्स के लिए और एक पाकिस्तान के लिए। लेकिन बाबर आजम जब छोटा टारगेट चेस कर रहे होते हैं, जब टारगेट 150 के करीब हो, तो बाबर आजम की यही एवरेज जो है वो 40 प्लस हो जाती है और 450 हैं, चारों विनिंग कॉज में हैं। इस पीएसएल में अभी तक कराची ने दो मैचेस जीते हैं और बाबर आजम ने कोई खास परफॉर्म नहीं किया चेस करते हुए, फिर भी जो है कराची ने इस्लामाबाद को एक अच्छे मार्जिन से हराया। लेकिन अगर बाबर आजम अपने इस इशू को सॉर्ट आउट करें और वो दुनिया के नंबर वन बैट्समैन है, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपने आप को इवॉल्व किया है, वनडे क्रिकेट में अपने आप को इवॉल्व किया है, अगर वो अपना टी20 चेजिंग रिकॉर्ड अगर थोड़ा सा बेहतर करें तो यकीनन कराची इस पीएसएल में बहुत ज़्यादा फेवरेट हो सकता है पीएसएल जीतने के लिए।